ये अरहर की दाल की खिचड़ी बनाने के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। ये है 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्च, 1.5 चम्मच नमक है, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। ये 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ बारीक बारीक, 1 हरी मिर्च, 1 बड़ी इलायची और एक दालचीनी, दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 8-7 काली मिर्चें और जीरा, 2 तेज़पात के छोटे पत्ते। ये है 2 चम्मच तेल जो हमने पका लिया है सरसों का, इसमें हम ये डालेंगे बघार, इसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर इसमें टमाटर डालेंगे। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट और इसी में हम डाल देंगे सारे मसाले जो हमने निकाले। इसी में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको सिर्फ भून लेंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़े। तो ये 2 मिनट में भून गया और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी खिचड़ी। इसमें 500 ml पानी मिला दिया। अब ये हमने 500 ml पानी मिला के इसको अच्छी तरीके से चला के अब हम इसको बंद कर देंगे, 1 सीटी लगाएंगे बस फुल फ्लेम पे। खिचड़ी तैयार है, रेशन निकल गया है, देखिए। देखिए मेरी तैयार है अरहर की दाल की खिचड़ी और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।